everyone. Good evening. Welcome to Amul Live. Namaste. Good evening. Welcome to Amul Live. Hello everyone. अगर कुछ लोग ज्वाइन हो चुके हैं तो हम लोग लाइव स्टार्ट करें. एम आई ऑडिबल विजिबल? जो ज्वाइन है प्लीज थम्स अप शो कर दीजिए. गुड इवनिंग, वेलकम टू अमूल लाइव. आज का जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है. बनाना वॉलनट टी टाइम केक बता रही हूँ मैं, और बहुत ही यमी है और बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा लगता है. बनाना है, वॉलनट्स है, और अगेन मैं उसको हेल्दी वर्जन दे रही हूँ जो मैं होल व्हीट फ्लावर से बना रही हूँ. तो मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ. तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा और आप लोग ट्राई करेंगे. तो अगर कुछ लोग ज्वाइन हो चुके हैं तो हम लोग लाइव स्टार्ट करें. ठीक है, मैं पहले इंग्रेडिएंट्स शो कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने आज लिया है होल व्हीट फ्लावर, ऑयल, ब्राउन शुगर, मिल्क, बनाना प्योरी. आज मैं मिक्स शुगर ले रही हूँ. ब्राउन शुगर और मिश्री जो आती है, जो हेल्दी वर्जन है शुगर का, उसको मैंने पाउडर फॉर्म में किया हुआ है. आप चाहें तो पूरा ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, और पूरा मिश्री का जो पाउडर होता है, जो रेडी जो बाज़ार में मिलता है, उसको पाउडर फॉर्म ग्राइंड करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये काफ़ी हेल्दी होता है. जो नॉर्मल वाइट शुगर लेते हैं, ग्रैनुलेटेड शुगर, इससे ये हेल्दी वर्जन है. आज मैं दोनों मिक्स ले रही हूँ. आप चाहें तो पूरा एक भी ले सकते हैं. ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कुछ वॉलनट्स ले रही हूँ मैं. कुछ यहाँ पे वॉलनट्स ले रही हूँ. ठीक है, मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. बनाना प्योरी जो मैंने लिया है वो है 80 ग्राम्स. करीबन एक बनाना जो होता है वो 80 to 100 ग्राम्स का होता ही है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बनाना लिया है. कभी वो कम क्वान्टिटी होगा तो 1.5 बनाना भी ले सकते हैं, बट यूजुअली 80 to 100 ग्राम्स का एक बनाना होता है. ठीक है, तो वन बनाना अगर पीस अगर आप गिनेंगे तो वन पीस में गिनिए. और अगर प्योरी अगर वेट करना चाहते हैं, वे उसको करना चाहते हैं, तो वन बनाना को आप वे करेंगे तो 80 ग्राम्स तो होगा. ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से वो प्योरी फॉर्म में कर दिया है, स्पून से ही किया हुआ है. ठीक है, हो सके तो थोड़ा ज़्यादा राइप बनाना यूज़ कीजिए, जो थोड़ा सा ब्लैकिश हो चुका होता है, जिसपे स्पॉट्स लग जाते हैं. तो यूजुअली हम लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मतलब बनाना है तो उसको कंज्यूम करना चाहिए, ना कि उसको फेंकना चाहिए. तो उसी का यूज़ करके मैं आज केक बना रही हूँ. तो वो वाला बनाना यूज़ कीजिएगा. अगर वो बनाना नहीं है तो ठीक है, नॉर्मल बनाना भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो बनाना यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा. ठीक है, तो ये मैं बनाना ले रही हूँ, बनाना प्योरी 80 ग्राम्स. फिर मैं ब्राउन शुगर और ये मिश्री जो पाउडर ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म है, दोनों को मिला के 85 ग्राम्स है. ठीक है, दोनों को मिला के 85 ग्राम्स मैं ले रही हूँ. ठीक है, ये 40 ग्राम्स है और ये 45 ग्राम्स है. ओके, फिर एक ऑयल ले रही हूँ. ऑयल है 70 ml, जो नॉर्मल ऑयल होता है. पीनट ऑयल यूज़ नहीं किया है, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल यूज़ नहीं करना है. ठीक है, होल व्हीट फ्लावर है 130 ग्राम्स, मिल्क है 50 ml. अब मिल्क को मैंने 1 teaspoon विनेगर डाल के ऑलरेडी कर्डल किया हुआ है. ठीक है, तो 1 teaspoon विनेगर और 50 ml वार्म मिल्क लिया है. अगेन 80 ग्राम्स बनाना, मैं रिपीट कर रही हूँ, 80 ग्राम्स बनाना, 85 ग्राम्स शुगर, मिक्स शुगर भी ले सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, और ओनली मिश्री भी ले सकते हैं पाउडर करके. ठीक है, 70 ml ऑयल, 130 ग्राम होल व्हीट फ्लावर. ठीक है,
ठीक है, कुछ वॉलनट्स ले रही हूँ और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। ठीक है, तो आज का रेसिपी स्टार्ट करें। ये ऑलरेडी मैं होल व्हीट फ्लावर सीव करके रखी हूँ। मैं सबसे पहले वो मेरा ओवन जो है वो प्री हीट करके रखी हूँ 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 5 मिनट्स पे उसको मैंने प्री हीट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले OTG को आप प्री हीट कर दीजिए। रेसिपी क्या है? काफ़ी हेल्दी वर्जन है, बनाना वॉलनट केक, टी टाइम केक बना रही हूँ। ठीक है, सिंपल है लेकिन काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और बच्चों के लिए बेस्ट है। ऑल पर्पज फ्लावर बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं आज, होल व्हीट फ्लावर से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ओट फ्लावर, रागी फ्लावर भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, मिलेट जो भी, अगर आपको बच्चों को पसंद है, आपको पसंद है तो वो वाले फ्लावर्स भी मिक्स करके 130 ग्राम्स आपको बनाना है। तो रेशियो अकॉर्डिंगली जो आपको फ्लावर पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। अभी मैं 130 पूरा होल व्हीट फ्लावर ले रही हूँ जो मैं सीव करके रखी हूँ। ठीक है, तो होल व्हीट फ्लावर में डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, इसको लेवल करके लीजिएगा 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अलग से रखे मैं वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया 80 ग्राम बनाना प्योरी है, और शुगर ले रही हूँ 45 ग्राम, मिश्री जो है वो ले रही हूँ स्पून लेके। आप चाहे तो पूरा एक ही शुगर भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, और चाहे तो मिक्स मेरे जैसे भी अभी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों शुगर लिया है, आप चाहे तो कोई भी एक शुगर भी लेके उसको बना सकते हैं। वंडरफुल, कीप टू सी फुल रेसिपी। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर, देख सकते हैं मिक्सचर कितना यम लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी 70 ml।
और मिल्क डाल रही हूँ जो कर्डल मिल्क है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी कर्डल हो चुका है। अब ये बन गया वेट इंग्रेडिएंट्स, वेट मिक्सचर सॉरी, और ये बनेगा, ये है ड्राई मिक्सचर, ठीक है। अब वेट और ड्राई को हम लोग मिक्स करेंगे। आप अगर चाहे वॉलनट्स अंदर डालना चाहते हैं तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ही अंदर डाल दीजिए। ड्राई मिक्सचर जो हम लोग ने व्हीट फ्लावर और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का जो बनाया था वो, और अगर आप चाहते हैं कि ऊपर से ही आपको अगर यूज़ करना है तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब मैं जो मिक्सचर है उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कट एंड फोल्ड मेथड से। क्योंकि ये लाइव है तो ये अभी बेकिंग के लिए उसको ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स लगेगा। तो मैं ऑलरेडी एक केक अभी जस्ट मैं बेक करके रखती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर। आप अगर किसी लोग किसी को अगर कॉफ़ी पसंद है तो जैसे हम लोग ने जब मिल्क कर्डल किया था उसी मिल्क में आप कॉफ़ी भी डाल के बना सकते हैं, या फिर अलग से 1 टेबल स्पून वाटर लेके उसका डिकॉक्शन बना के वो भी डाल सकते हैं कॉफ़ी, तो वो बन जाएगा कॉफ़ी वॉलनट टी टाइम केक, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉफ़ी अभी नहीं डाल रही हूँ लेकिन अगर आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मिक्सचर। अभी मैं ऑलरेडी ये मेरे पास एक टिन है, स्क्वायर टिन है, इसको मैं ऑलरेडी ब्रश कर चुकी हूँ ऑयल से। आप चाहे तो उसको डस्ट भी कर सकते हैं, अभी मैं नहीं डस्ट कर रही हूँ लेकिन अगर डस्ट भी करेंगे तो कोई नहीं भी करेंगे तो भी निकल आएगा आराम से, और अगर करना चाहते हैं तो डस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है बेकिंग पेपर है तो लाइन भी कर सकते हैं। को कुछ क्वेरी है तो बहुत ज़्यादा सिंपल है वैसे तो रेसिपी।
ये मेरा थिन शीट केक जैसा बनेगा। एक्चुअली मेरा राउंड जो मेरे पास जो टिन है वो ऑलरेडी बेक के लिए रखा है, तो मेरे पास एक ही टिन राउंड वाला है, तो सॉरी मैं अभी राउंड में नहीं डाल सकती हूँ। लेकिन आप चाहें तो लोफ केक का जो टिन आता है वो उसमें भी डाल के बना सकते हैं। मेरे पास काफी छोटा है लोफ केक का टिन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला है। इसमें ये क्वांटिटी नहीं फिट होगा, लेकिन इसी ऐसा ही टिन आपके पास अगर बड़ा है तो आप उसमें भी उसमें ही बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी छोटा है तो ये मेरे फिट नहीं होगा इसी क्वांटिटी में। हाँ, हाफ क्वांटिटी फिट हो जाएगा। जैसे मैं अभी 130 ग्राम रोल विथ फ्लावर ले रही हूँ, अगर आप हाफ क्वांटिटी देंगे यहाँ पे तो ये फिट हो जाएगा, लेकिन 130 पूरा इसमें नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा ही टिन अगर आपके पास बड़ी साइज का है तब उसमें ही बनाइएगा। ठीक है, या फिर आप राउंड टिन में बना सकते हैं, जैसे मेरा ऑलरेडी अभी एक बन रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ मेरा जो बना हुआ है। इसके ऊपर आप वॉलनट्स डाल दीजिए। और ये मैंने अमूल चॉकलेट लिया हुआ है, उसी का पीसेस किए थोड़े छोटे छोटे, वो भी डाल दीजिए, काफी अच्छा लगेगा बच्चों को देखने में, भी टेम्प्टिंग लगता है, बच्चे मन से खा लेते हैं। आप देख सकते हैं। अब मैं उसको बेक करने के लिए रख के आती हूँ 160 पे 25 to 30 मिनट।
देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी थोड़ा गर्म है तो मैं नहीं होल्ड कर सकती उसको, मैं ऑलरेडी अभी ये बेक करके रखी हूँ। ये सेम केक है, लेकिन जो राउंड टिन मैं आपको बोल रही थी वो यही है, ठीक है। तो इस तरह का राउंड टिन यूज कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो लोफ टिन भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास लोफ टिन बड़ा वाला नहीं है तो मैं अभी राउंड टिन में ये बनाई थी, और जो आपके सामने बनाई वो स्क्वायर वाले टिन में बनाई हूँ, जो बेसिकली मेरा ब्राउनी का टिन है। तो ठीक है, किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं कट करके शो करना चाहूँगी आपको। एक मिनट, अगर ये कट करके निकलेगा तो शायद बहुत ज़्यादा गर्म है तो क्रम्बल होने के पूरे चांसेस हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, मैं अपना नाइफ अंदर लेके जा रही हूँ तो बहुत इजीली वो मूव कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये केक, और ट्रस्ट भी इतना यमी लगता है, क्योंकि मेरे घर में मेरी डॉटर को थोड़ा क्रेविंग बहुत है केक का, तो मैं उसके लिए ये वर्जन ही यूजुअली बनाती रहती हूँ। एवरी वीक मेरा बनता है ये वाला केक। अभी वो क्रम्बल हो रहा है केक एक्चुअली मेरा, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, ये देखिए। बहुत ही आसानी से मेरा नाइफ मूव हो रहा है अंदर, लेकिन अगर मैं उसको पीस निकालने जाऊंगी तो वो क्रम्बल कर देगा, ठीक है। तो ये था आज का हेल्दी वर्जन बनाना वॉलनट केक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको कुछ डाउट है तो सिंपल रेसिपी है, चॉकलेट्स है, वॉलनट्स है, बच्चों के लिए बेस्ट है, बच्चे क्या बड़े के लिए भी बेस्ट है। आजकल तो बड़े भी बहुत अच्छे से शौक से खा सकते हैं और सब हेल्दी पसंद करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। डिनर के बाद भी उसको बना के खाइए, उसको हीट करके भी एक बार, अगर उसको थोड़ा माइक्रोवेव 10 सेकंड्स के लिए उसको गर्म करके कंज्यूम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा टेस्ट में। इसको कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, वरना फिर लाइव एंड करें क्या। Thank you so much Amul for inviting me to showcase my recipe. Thank you viewers for joining. I'm sure आपको अच्छा लगा ही होगा मेरा recipe, और please do try.